जुगाड़ करें। अभी ठीक है, चार लोग हैं। ठीक, आपको क्या आइडिया है, बर्ड्स कब हो रही हैं? दूसरे सेक्शन की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं आर्किटेक्चर की? सर नहीं पता। ऐसा नहीं पता आपको? ठीक है, कोई बात हुई हो कि अपने क्लास वालों से? ठीक है, चलो ठीक है। 12, मेरा ख्याल शुरू करते हैं। नेटवर्क क्वालिटी बैड, कम ये सिग्नल आ रहा है मुझे, जरा एक सेकंड ठीक से नेट पे जाने दें। एक्सक्यूज मी, आई होप दैट दिस इंप्रूव्स थिंग। ठीक है, इस समय पर मूव कर गया। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह। होप यू कैन सी दिस स्क्रीन, नजर आ रही है? यस सर। ठीक है, चलते लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग किताब का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम इसमें जो हमारे इंटरेस्टिंग एरिया, सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे लेकिन जो एरियाज हमारे इंटरेस्ट किए हैं वो ख़त्म करें और कवर करें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटिंग के अंदर ट्रेंड्स के। बेसिकली दिस इज, इफ यू लुक एट योर बुक, फाइंड इट, ये आपकी जो किताब है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये इसकी पहला चैप्टर ऑलमोस्ट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और हमारा जो है वो टारगेट ये है कि हम अगले इस लेक्चर में या अगले एक लेक्चर दो में मैक्सिमम इसको ख़त्म करें। आपको प्लीज़ मुझे बताइए आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार कंफर्म कर दें। मैंने नेटवर्क चेंज किया। ठीक है, तो बस इसमें हम लोग आज चैप्टर 1 जो है वो उसको कवर करेंगे। ठीक है जी, तो जनरली आई जस्ट गो विद द स्लाइड्स। स्लाइड्स आर वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड क्लोज टू द बुक। ठीक है, तो अगर आप बुक भी पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली जितनी भी इसमें मतलब हम लोग चीज़ें डिस्कस करें वो सारी की सारी किताब में मौजूद है। तो इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, बेसिकली नॉलेज बेस्ड। और अगर आप इसको किताब को क्लोजली फॉलो करेंगे साथ साथ, तो दैट इज गुड, गोइंग टू बी ए गुड यू नो एकॉम्पनीइंग मटीरियल। ठीक है, तो जैसे हमने, अगर आपको याद हो कि हमने काफ़ी दफ़ा, अभी हमारे सेशन जितने हो चुके हैं उसमें हमने ये डिस्कस किया कि पिछले 10-20 साल के अंदर कंप्यूटिंग की लैंडस्केप जो है वो बड़ी चेंज हुई है, और उसमें ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर भी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट पीपल वांट टू डू विद सॉफ्टवेयर, द काइंड ऑफ जॉब्स इन सॉफ्टवेयर। वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो इमेज प्रोसेसिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स, वी आर टॉकिंग अबाउट बिग डेटा एंड सो ऑन सो फोर्थ। और बॉटम एंड पे भी ये हो चुका है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज ये है कि मिनरलाइजेशन पे आ रहे हैं, हमारे पास नए प्लेटफॉर्म्स हैं, सेल फोन्स हैं और को प्रोसेसर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो फिर हमारे पास हाइब्रिड कंट्रोलर्स भी हैं, ऐसे कंट्रोलर्स भी हैं जिसके अंदर पार्शली आप FPGAs भी बिल्ट इन हैं, सो ऑन सो फोर्थ। हाइब्रिड मेमरीज हैं हमारे पास। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये टेक्नोलॉजी में ब्रिंगिंग आउट ऑफ चेंज, और ये चीज़ हमारे आर्किटेक्चर के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जहाँ आर्किटेक्चर हमारी स्टैग्नेट थी वहाँ पे हमारे आर्किटेक्चर के अंदर बड़ी चेंजेस आ रही हैं। एंड दीज आर सम स्टैटिस्टिक्स दैट यू कैन सी हाउ थिंग्स हैव चेंज। ठीक है, तो जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें बेसिकली हमारा फोकस होगा कुछ ग्राउंड फंडामेंटल्स पे of how we gauge technology, architectural aspects of technology. क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई पैमाने होने चाहिए इन चीज़ को जज करने के लिए, उसको क्वान्टिफाइबली उसको मेजर करने के लिए उसकी क्वालिटी को। तो आज का हमारा सेशन है उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम उसका ग्राउंड वर्क ले करें ताकि गोइंग फॉरवर्ड, जैसा मैंने बताया कि हमारा ज़्यादा ये होगा कि हम केस स्टडीज़ को देखेंगे इन दिस लेक्चर। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास वो पैमाने हों जिसके ज़रिए हम उन केस स्टडीज़ को मीनिंगफुल तरीके से जज कर सकें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बहुत रैपिड चेंज आ रही है, दिस इज हैज़ बीन हैपनिंग ऑन अ ईयरली बेसिस ऑलमोस्ट। तो कुछ जैसे मैंने कहा कि टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं
So I just want to put them out, you know, put them out there so that there's clarity in terms of what these words mean. Because we in terminologies ki base pe jo architectural progression hai usko study karenge aur unko judge karenge. So first of all, I hope ke all of you are clear, you know, and have a clarity in understanding what the difference between these two terms is. Ye sabko clear hai ki bandwidth और लेटेंसी एक टर्मिनोलॉजी, और हमारा अक्सर हम जब बात करते हैं आर्किटेक्चर की तो लोग जो है वो उनका फॉल बैक जो होता है वो मिशन लेटेंसी या बैंडविड्थ की तरफ होता है. लेकिन आई होप के यू आर क्लियर ऑन द डिफरेंस बिटवीन दीस, यू नो, दीस टर्म्स, बैंडविड्थ एंड लेटेंसी. हेरा, आपको क्लियर है? जी हेरा, रीज आप बताएं. हाँ जी रीज, आपको आवाज आ रही है? यस सर. हाँ जी, क्या फर्क होता है इनमें, इन टर्म्स में? जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं द अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब वेरी वेरी कंजर्वेटिवली द अमाउंट ऑफ टाइम ए जॉब टेक्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. एक जॉब कितना टाइम ले रहा है, ये लेटेंसी है. और बैंडविड्थ, तो लेटेंसी बेसिकली यूनिट टाइम में होगा. और बैंडविड्थ जो है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ जॉब्स यू कैन डू इन अ गिवन स्पेस ऑफ टाइम. तो अक्सर हम जब बात करेंगे स्पीड की तो हम बात करेंगे इधर इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ और इन लेटेंसी. लेकिन यू नो हाउ यू इंटरप्रेट द डेटा वुड हैव यू नो डिफरेंट लेट्स से इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, एंड डिफरेंट इम्प्लीकेशंस एज वेल. ठीक है, तो बैंडविड्थ और लेटेंसी, these terms should be very clear to you. So latency is the amount of time where of, you know, the amount of time a single job of a certain specification takes from start to finish. Bandwidth kya hai, how many of those jobs can we do in a certain unit of time. Now we can improve our bandwidth. Dekhe, every it's quite obviously clear ki agar main let's say ke apni latency improve karunga to meri bandwidth improve karegi जॉब्स की. ये तो क्लियर है आपको. लेकिन इट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड देर आर डिफरेंट वेज वेयर बाय आई कैन इम्प्रूव माई बैंडविड्थ विदाउट इम्प्रूविंग माई लेटेंसी. एंड दिस शुड बी क्लियर एक्चुअली, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट एट लेंथ. लेकिन किसी को आइडिया है? हमजा बता सकते हैं कि मैं अपनी बैंडविड्थ, एक बात तो मैंने ये की ना कि अगर मेरी लेटेंसी इम्प्रूव हो रही है तो मेरी नेट बैंडविड्थ जो है वो इम्प्रूव होगी ऑन एवरेज. लेकिन अगर मैं अपनी बैंडविड्थ को इंप्रूव करना चाहूँ विदाउट टचिंग लेटेंसी, तो एनी आइडियाज व्हाट वी कैन डू? कुछ चीजें पढ़ी हैं आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस हवाले से? इसका भी आइडिया नहीं है मुझे. आइडिया नहीं है? लेट मी जस्ट गिव यू वन आइडिया. फॉर एग्जांपल पाइपलाइनिंग, हैव यू हर्ड ऑफ पाइपलाइनिंग? यस सर, यस सर. पाइपलाइनिंग क्या होती है? सर पाइपलाइनिंग होती है, let's say कि मैं ये कहूँ कि मेरी हर इंस्ट्रक्शन जो मेरा प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है दैट कंप्राइजेस let's say फाइव स्मॉलर ऑपरेशन दैट टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, दे टेक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम. तो हर ऑपरेशन की जो लेटेंसी है वो एक्स है, वट एवर द यूनिट इज, ठीक है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड. और एक इंस्ट्रक्शन की जो है वो लेटेंसी कितनी होगी? 5x व्हाटएवर द यूनिट इज. ये क्लियर? जी हमजा. यस सर. बट वी कैन इंप्रूव द बैंडविड्थ और द थ्रूपुट. So we did say that one way to do that would be pipelining. Now, pipelining, are you clear how that pipelining would
improve the bandwidth without touching the latency. So latency को हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन bandwidth को हमने improve किया. And how would pipelining achieve that? क्योंकि are you clear on what, like I'm assuming you should be clear at this point. Again, are you clear about the meaning of this word? Yes, sir. Okay, per unit time. So what do we do in pipelining? Like you would imagine ki if a job takes 5x units of time, right? And if you have, let me give you a simpler example. If I have 3 jobs, so without pipelining, all of them will take what? 5x times 3. ठीक है, ऐसे ही. Would you agree or disagree? Yes, sir. 15 minutes of time. Right. So in this, so this is the throughput. In the sense that the throughput would be 3. Throughput is 3 because in this, क्या चीज़ है? The total work done in given time. If the given time is 15x, and I'm fulfilling 3 jobs in that time, then the throughput is 3. However, pipelining ke andar, I'm just going to draw these lines instead of these boxes. 2, 3, 4, 5, ye na. So, mara kya hota hai ki agar main pehla operation kar raha hu for, you know, so once I'm done with the first operation of the first instruction, I move to the second one. Theek hai? So when I move to the second one, what happens in pipelining? I would start the second operation. So jump second job second instruction. ठीक है, तो second instruction जो है वो basically जिस वक्त पहली instruction जो है उसका दूसरा operation हो रहा है. ठीक है, तो मेरी इसके पहला वाला हो रहा है. एंड देन व्हेन आई मूव टू द यू नो फर्दर बियॉन्ड, आई कैन एक्चुअली स्टार्ट अनदर जॉब एंड सो ऑन सो फोर्थ. यू सी, सो आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज़ यू हैव डन दिस एट लेंथ इन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इफ आई वर टू से दैट दिस टाइम इज 5x, ठीक है, सो 5x सॉरी 3x क्या है, दिस टाइम इज 3x, sorry 5x, sorry ye time 5x hai. And I want to check my throughput for 15x. Okay, so would my latency improve or get worse? Bataye Fazam, aap bataye, is the number of jobs I'm able to finish per that time 15x diminished or is it improving? Improving. So that improving. ठीक है, can you see by what factor it's improving at? Sir, by 3 times. I would say drastically. So the point is that you are able to, let's say, start. And so obviously we're interested in how long it takes us to finish the job, right? So yeah, my focal point over. So basically we'll be able to start jobs. So we'll be able to do about, we can see 5 across and 10. So we'll be able to do 10 jobs, almost 9 or 10 jobs instead of 3 jobs per the same amount of time. Obviously, and I'm considering ये हमारे 5 स्टेजेस के बाद ही खत्म होता है, तो हमारे पास 10 जॉब्स आती हैं. एंड बाय द एंड ऑफ दिस, बाय द एंड ऑफ यू नो 15x, 10 जॉब्स वुड बी कंप्लीट एंड मे बी अदर्स वुड बी इन द पाइपलाइन एज वेल. ठीक है, सो देयर विल बी अदर जॉब्स मे बी इन द पाइपलाइन दैट आर एट सम स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन, लेकिन द नंबर ऑफ कंप्लीटेड जॉब्स या नंबर ऑफ वर्क, यू नो द अमाउंट ऑफ वर्क डन वॉल्यूम में विद गारंटीज, ऑब्वियसली we are just considering ke sari ki sari jo hai wo sequential instructions hain, but that is going to be 10. theek hai, so I hope you understand ki maybe latency, obviously if I improve my latency then my bandwidth is going to improve. So for example,
if it's taking 5x, right, amount of time, and I'm able, this whole time is 5x, right? And if I'm able to reduce this time by a factor of 5, okay, so obviously now it's taking x amount of time, and that's an improvement immediately. Okay? Again, without actually touching my latency, I'm able to improve my throughput. Okay? So you have to understand that these are two separate measures of speed. Speed, I don't like the word in this context, but people think of it in those terms. So you understand what I'm talking about. Okay? Any other way? So is there any other way I can improve my throughput without touching my latency? Sajid, aap batayenge? Ji sir. कोई और तरीका ऐसा हो कि मेरी एक जो जॉब का लेटेंसी है उसको मैं टच किए बगैर अपनी थ्रूपुट बढ़ा सकूं? नो सर, नो आइडिया. नो आइडिया, पिछली एग्जांपल समझ आई? यस सर. यहाँ पे मैं चीज लिखता हूँ, मुझे बताएं, वुड दिस मेक सेंस टू यू? वुड दिस मेक सेंस? यस सर. So would you agree that this thing, this modification or change is, so agar hamare paas jobs hain, if I can run, let's say, multiple jobs at the same time, and let's say we are assuming that they don't have any interdependencies, okay? So let's say truly discrete and independent tasks running at in tandem. So do you believe that that is going to improve our throughput? Yes, sir. Okay. Okay, so I mean, by the way, I was assuming and I was hoping that at this stage in your studies, you would be, you know, aware of these terminologies. Okay, but in any case, I hope that it's clear now. Okay, but we will talk at length and when we compare different architectures, so we will at length discuss latencies and obviously throughput in terms of dekhenge, aur zyada tar ye hoga ki hum log latency jo hai wo usko improve nahi kar payenge, lekin hum log throughput pe kafi kaam kar payenge. Theek hai, to ye previous cheez ka dhyan rakhiyega. Theek hai, so this should be clear going forward. So these are two terms that we are looking into, and we can see that even though over time, I mean, this line, even though the latencies have improved, okay, like they have not improved significantly. So they have improved over, let's say, a factor of 100 times better. But in the same amount of time, the improvement in latencies have been 10,000 fold. So I hope you can appreciate this graph. Okay? Yani ke hum ye keh sakte hain very safely, okay, for especially processors and memories, every single factor of improvement in latency results in twice that factor of improvement in the throughput. So memory ke andar bhi aap dekhen ki throughput jo hai zara si latency hamari better ho rahi hai. So in the period where we got like about 8% improvement in the latency, hamari jo bandwidth thi, throughput thi, that went up, improved by a thousand times. And that's the same thing which we see in networking technology. This sort of same consistent and linear progression on the microprocessor technology. Okay? So this is a very important point to understand, that we can get significant gains in throughput. Aur architecture hamara zyada se zyada, kyunki jo latency hai, it's not a topic it's not so much a topic of architecture. Latency depends on many things, but it's usually the sort of thing which would be of interest to people who are manufacturing chips. Okay, so that's not really in our domain. Okay, so this is something we have to be clear on. Ek aur cheez bhi hamare liye jo bada important factor hai, वो ये है कि फीचर साइज ट्रांजिस्टर का. ठीक है, आई होप कि यू कैन अप्रिशिएट कि अब जैसे हम ये देख रहे हैं, ये जो किताब ने आपके दिया हुआ है,
कि 1971 में अगर 10 माइक्रोन का था साइज, तो ट्रांजिस्टर के डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, तो 2011 में इट हैज कम डाउन टू 0.032 माइक्रॉन्स, ठीक। और अब आज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास लेट्स से इन द लास्ट 10 इयर्स बिटवीन 10 एंड 7 नैनोमीटर स्केल पे आ चुका है, सो दिस एक्चुअली हैज गॉन डाउन फर्दर, ठीक है। तो इवन दो ट्रांजिस्टर्स की जो परफॉर्मेंस है, इफ यू आर एबल टू मैन्युफैक्चर दोस ट्रांजिस्टर्स एट दोस डायमेंशंस एंड इफ यू आर एबल टू लाइक स्केल देम इन साइज, तो उसकी जो उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी स्केल कर रही है लीनियरली बाय एंड लार्ज। एक्चुअली दिस लीनियरिटी एज इज नॉट इवन ट्रू राइट नाउ, ठीक है। सो लेट्स से बट लेट्स से इट्स वेरी क्लोज टू लीनियर, बट इट्स टेपरिंग ऑफ। लेकिन इसमें जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि जो आपके वायर हैं जो वो इम्प्रूव नहीं कर रही, रादर द स्मॉलर योर वायरिंग इज गेटिंग द वर्स इट्स परफॉर्मेंस इज गेटिंग, ठीक। अगेन दीज आर डिफरेंट रैमिफिकेशंस, ठीक है। और हमें फिर ये मसला भी है कि हम आगे जाके देखेंगे कि हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स लोअर ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, ठीक है। और तो जब हम फीचर साइज इसका छोटा करते हैं तो हमारी क्या चीज बुरी हो रही है, रेजिस्टेंस जो है पर यूनिट लेंथ जो है वो बुरी हो रही है, हमारी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ बुरी हो रही है, ठीक है। और बेसिकली आज की तारीख में, एंड दिस इज ट्रू इवन टुडे, अगर हम बात कर रहे हैं ऑफ स्केलिंग डाउन अ चिप, ठीक है, एंड टिपिकली जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली द फीचर साइज द डायमेंशंस, सो वी गेटिंग स्मॉलर डायमेंशंस एंड देन वी आर फिटिंग इन मोर ट्रांजिस्टर्स इनटू दैट एरिया, तो हमारी जो डेंसिटी है ट्रांजिस्टर की वो ऑब्वियसली इज एन एलिमेंट वी टॉक अबाउट। लेकिन जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर्स को फिट इन करना जो है स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी कि वो हमारा इशू नहीं आ रहा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम आ रहा है वायरिंग, ठीक है। और बेसिकली आज के डेट में जो हमारा बॉटल नेक कह लें या सीलिंग कहते हैं इसको, इन दिस केस मिनिएचराइजेशन की, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरकनेक्ट्स बिटवीन द ट्रांजिस्टर्स एंड नॉट द ट्रांजिस्टर्स देमसेल्व्स। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स नॉट द ट्रांजिस्टर्स और द मिनिएचराइजेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर्स देमसेल्व्स, बट द इंटरकनेक्ट दैट इज कॉजिंग यू नो द व्हिच इज बेसिकली द ऑब्स्ट्रक्शन टू गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर चिप्स टुडे, ठीक है। तो and obviously there are some issues with regards to performance, lekin by and large the performances are scaling pretty well, theek hai, lekin wire performance jo hai wo bahut hi let's say uska negative effect hai, theek, so this is a problem, right? So usme fir hamare paas jo challenges hain jiski taraf hum dekhna cha rahe hain, and again please make a note of all these points, obviously these slides all of the information in these slides are you know is available in the book, so isko gaur se dekhiyega kyunki jaise maine bataya ki aage hum jitne bhi architectures ko study karenge unhi terms pe dekhenge, hamare paas ye ek challenge hai power ka bhi, theek hai, to challenge power ke kya hai ki maximum power consumption kya hogi, sustained power consumption kya hai aur uski energy efficiency kya hai, ye hamare kuch questions hai, theek hai. And obviously when we will look at different architectures, ठीक है, तो हम लोग हमारी consideration ये भी होती है, and this is quite true and especially depending on modern platform, ठीक है now, और जो हम एक और बात भी clearly शायद इसमें mention करना चाहिए मुझे, वो ये कि अगर जितनी मैं ज़्यादा power consume करूँगा उतनी मैं heat भी dissipate करूँगा obviously, ठीक है, तो getting rid of that heat is also a huge challenge for us. And as we are moving towards smaller and smaller platforms, for example, आज की बहुत बड़ी market है mobile phones की, इसके अंदर we want obviously first of all we want them to be very energy efficient because we want them to run for as long as possible, and then because of the small form factor we cannot fit in, like insofar I know जो processors लगे होते हैं on a phone they don't have heat sinks, they don't have fan, I mean they may have some heat, they don't have heat sinks I don't think, and they don't have any for sure any fans on them,
Okay, so you need to get rid of that heat, and these are some challenges that we're looking into right now. Okay. TDB ka yahan pe jo zikr hai, I hope you know what that means. It means sustained power consumption, just to, you know, just to stay on. ठीक है. और जब भी आप कोई सिस्टम की पावर सप्लाई और कूलिंग सिस्टम की बात करेंगे, ठीक, तो पावर सप्लाई वुड बी हाउ मच पावर आई हैव टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर टू द सिस्टम टू ऑपरेट, एंड देन सब्सिक्वेंटली यू नो उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी, तो मैंने कितनी कूलिंग सिस्टम किस तरह से करना है, वो अमूमी तौर पे उसको मेजर करने के लिए हम ये थर्मल डिज़ाइन पावर जो है उसको स्टडी करते हैं. ठीक है. और हमारे पास कुछ है एक तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा अपना कम कर सकते हैं. एक तो ये है कि हम अपना क्लॉक रेट जो है उसको कम कर रहे हैं. बाय द वे इट वर्क्स द अदर वे अराउंड एज वेल, सो वी कैन एक्चुअली रिड्यूस द क्लॉक रेट, जिससे हम उसकी टीडीपी को लोअर कर सकते हैं. लेकिन उसका क्लॉक रेट को कम करने का हमारा जो एक नुकसान होता है वो ये होता है कि आपकी लेटेंसी जो है वो जो है बुरी हो जाती है. एंड लेकिन उससे ये होता है कि आपकी जो पावर रिक्वायरमेंट है पर यूनिट टाइम एनर्जी की ज़्यादा, और आपकी हीट डिसिपेशन है, दैट बिकम्स बेटर. ठीक. तो ये तो ये हमारी स्टैटिक एनर्जी है. और डायनेमिक एनर्जी हमारी क्या है? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड पावर आई रिक्वायर जस्ट टू स्टे ऑन. बट डायनेमिक पावर मेरी क्या चीज़ है? कि जब भी मेरा सिस्टम जो है वो ट्रांजिस्टर स्विच करेंगे फ्रॉम 0 to 1 या 1 to 0, व्हेनेवर दे आर चेंजिंग द स्टेट, दैट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड इज नोन एज डायनेमिक एनर्जी. एंड इट वुड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सर्किटरी ऑब्वियसली. सो लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग मेमोरीज, DRAMs आर क्वाइट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. यू नो डायनेमिक, उनकी डायनेमिक प्रोफाइल बहुत एफिशिएंट है कंपेयर टू, सॉरी SRAM की बहुत एफिशिएंट है कंपेयर टू DRAM. सो DRAMs आर इनएफिशिएंट. ठीक. बारह क्योंकि SRAM में ये जो ये वाला फैक्टर है दैट इज नॉट देयर इज नो कैपेसिटिव लोड इन द SRAM, सो टू स्पीक. ठीक. So what we can do is we can reduce the frequency, and that frequency is going to reduce the power, but it's not going to reduce the energy. It should be clear, I hope. ठीक है. एक और काम भी किया जा सकता है, हम गौर करें यहाँ पे कि आप जो है वो लो वोल्टेज पे भी चला सकते हैं. दिस इज वेयर व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इनिशियली, के जिस तरह से हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स यू नो डेंसर प्लेटफॉर्म्स, वी आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स लोअर पावर रिक्वायरमेंट्स. ठीक. मतलब सॉरी lower power capability, so the ability to operate at lower voltages rather. Okay, so is waqt it's quite common to have chips that operate on 1 volt. That's their the power at the voltage at which they operate. Okay, so for the longest time we had systems that were operating at 5 volt range, and specifically talking about processors. And then we have many processors that work at the 3.3 volt range. आजकल जो है स्पेशली इफ यू वर टू टॉक अबाउट प्रोसेसर्स यू नो दैट वर डेवलप इन द लास्ट 10-15 ईयर्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हाई एंड प्रोसेसर्स इन दिस पर्टिकुलर केस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंड ऑब्वियसली सेल फोन प्रोसेसर्स. सो दिस मे नॉट बी द केस फॉर एम्बेडेड प्रोसेसर्स और कंट्रोलर्स, बट इट्स ट्रू फॉर यू नो लेट्स से हायर एंड प्रोसेसर्स. ठीक है. इसमें जो एक इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चरल और फंक्शनल आप कह लें कि इनोवेशन है, वो ये है कि कुछ प्रोसेसर्स जो हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं. ठीक. तो यहाँ पे एक छोटे सा एक यू कैन लुक एट दिस ऑब्वियसली एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो विच इज टेलिंग अस कि हाउ मच इम्प्रूवमेंट यू वुड गेट बेस्ड ऑन यू नो दिस इक्वेशन. ठीक है. तो अब ये देख सकते हैं कि अगर लेट्स से कि कोई प्रोसेसर लेट्स से इफ वी आर ऑपरेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इफ दैट प्रोसेसर यू नो सपोर्ट्स एडजस्टेबल वोल्टेज एंड इफ यू आर एबल टू ऑपरेट इट एट यू नो 15% रिडक्शन इन वोल्टेज, तो यू विल गेट ए
30% improvement in energy. ठीक है, and you will get a 60% improvement almost, sorry, and you will get a 40% improvement in almost 40% improvement in power requirements. Okay, so I hope that is clear. And the math is pretty straightforward, as I'm sure you can see that. So ab hamare paas kai is tarah ke processors hain, naye processors jo ke aapko they allow variable voltages. आई मीन इसमें भी वेरिएशंस हैं, कुछ हमारे पास इस तरह के प्रोसेसर्स हैं मार्केट के अंदर जो कि आपको ये भी अलाउ करते हैं कि अगर आपके पास 8 कोर्स हैं ऑन द प्रोसेसर, दिस इज ट्रू फॉर यू नो प्रोसेसर्स ऑन फोन्स, तो आपके पास कई 8 कोर प्रोसेसर्स हैं और उनमें कुछ प्रोसेसर्स इस तरह के हैं, कुछ फैमिलीज जो कि अलाउ करती हैं कि आप जो हैं उनमें से कुछ कोर्स को लो वोल्टेज पे ऑपरेट करें. ठीक, तो जो इसका ऑन गोइंग कोई मंडेन टास्क है, इफ इट्स नॉट लाइक यू नो इफ यू नॉट डूइंग एनीथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग एंड व्हिच इज टाइम क्रिटिकल, दे विल वर्क एट लो वोल्टेजेस एंड सम ऑफ देम वर्क एट इन वेरी लो वोल्टेजेस बाय डिफॉल्ट. इवन के जो इसकी स्टैटिक पावर रिक्वायरमेंट है, व्हिच मींस जस्ट टू कीप इट ऑन, सो यू विल सी दैट लेट्स से इफ यू आर यूजिंग, इफ यू आर नॉट यूजिंग योर सेल फोन and if you just you know if it's just the screen is turned off, so they have the ability to really take down their voltage requirement drastically, and in that way they are able to save on and it, you know on the amount of power they require to operate. ठीक, बहरहाल ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा bottleneck है, and you have to understand ke the bottleneck is not just the ability to provide the power. The bigger bottleneck is the ability to cool it by air, actually. So that's the bottleneck. ठीक है, तो ये आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है, तो हीट डिसिपेशन हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज, और जैसे मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 टेक्निक से अभी किताब में दी हुई है. एक तो हमने भी बात की है डायनेमिक वोल्टेज फ्रीक्वेंसी स्केलिंग की. ठीक है, एक है डू नथिंग वेल. नाउ दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग एंड दिस इज व्हाट फोन्स डू क्वाइट वेल. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इट मींस दैट यू शुड बी एंड द आइडिया इज दैट योर चिप्स एंड प्रोसेसर्स एंड कंट्रोलर्स आर डिवाइडेड इनटू वेल सेपरेबल एंड डिस्क्रीट कंपोनेंट्स. ठीक है, and it is able to turn off components that are not being used. Okay, so that is one capability that we are looking into. The other thing is, now this is talking about various components, then we have already talked about dynamic voltage frequency scaling. Phir hamare paas memories ko or disks ko hum ye this is a very common approach, has been used for maybe quite a long time. Yeah, aap jo hai apni DRAMs ko लो पावर स्टेट पे चलाएं. फिर ये एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है, दिस इज समथिंग व्हिच वाज पायनियर्ड बाय इंटेल इन देयर आई कोर प्रोसेसर्स, एंड इफ आई रिकॉल करेक्टली इनका जो सी इनके आई सेवन के अंदर जो है बैक इन मेमोरी सर्व्स 7-8 साल पहले दे इंट्रोड्यूस दिस थिंग व्हिच वाज दैट दे कोड turn off, like for example agar multiple cores hain on the processor, theek hai, so you can potentially use all cores, lekin unme ye capability thi ki aap jo hain wo 7 cores hain on an 8 core processor, you could, I mean not you, the system depending on the load and requirement would turn off those cores altogether, aur jo ek core hota tha wo usko ओवरक्लॉक करके चलाते थे. तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 3.3, तो आपके पास एक i7 है लेट्स से, दैट इज जिसकी नॉर्मल ऑपरेशनल स्पेक जो है वो 3.3 गीगाहर्ट्ज़ है. ठीक है, एंड ये जितने भी आई सीरीज के हैं और अब तो काफ़ी सारे प्रोसेसर ये कर रहे हैं, उसके अंदर ये था कि और दिस वॉज एन 8 कोर प्रोसेसर, सो यू कैड एक्चुअली टर्न ऑफ 7 कोर्स और आपका तो ये बिल्कुल ऑफ हो जाते थे,
और एक कोर जो है आपकी वो ओवरक्लॉक करके आर क्लोज टू 3.7 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करती थी. सो यू कैड लाइक ऑपरेट 8 cores at 3.3 gigahertz or a single core at 3.7 gigahertz, and these were like quite popular on laptops. Or this was also a huge improvement in, you know, their performance and the amount of energy they required, and obviously the amount of heat they were dissipating. Okay, I hope it's clear. I don't have you hear any questions. No, it's pretty straightforward. So abhi dekhen ke आपके डायनामिक वोल्टेज स्केलिंग जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है, एंड इट्स बीन यूज्ड क्वाइट अ लॉट. ठीक, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टैटिक पावर कंजम्पशन एज वेल. एक चीज मैं आपके साथ ये मेंशन करना चाहता हूँ कि ये देखें, ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये भी अक्सर लोगों को क्लियर नहीं होता. तो जहाँ तक डिज़ाइन की बात होती है ना, तो बेसिकली एंड काशिफ, ये बेसिकली दिस इज इन लाइन ऑफ द क्वेश्चन, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड इन क्लास विद, जो हमारी डिस्कशन हुई थी, हमने ये कहा था कि हम इनडेफिनेटली बड़ी रैम, विद रैम आई मीन डी रैम, इनफिनिटली बड़ी डी रैम आज की तारीख में हम नहीं बना सकते. ठीक है, तो एनीथिंग अबव 64 GB रैम becomes non-viable. So I'm not saying we cannot make it, but it's just simply not viable. Operationally, it's not viable. Manufacturing ke liye aate hai. But there's this other concept which is because of thermal constraints, a phenomena which is known as dark silicon. And the idea is that because, and specifically because of energy dissipation requirements, there's a limit of how many transistors can be operational at any point in time on a chip. ठीक है, तो लेट्स से कि मैं, मेरे पास कैपेसिटी है टू पुट इन इनफिनिट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ चिप ऑफ अ सर्टेन साइज, लेट्स से, बट मेरी जो कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी ट्रांजिस्टर्स कैन बी यू नो पावर्ड ऑन एट वन पॉइंट इन टाइम इज लिमिटेड. ठीक है, तो मेरे किसी भी एक वक्त में मैं सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स को ऑपरेशनल नहीं रख सकता. And this phenomena is known as dark silicon. I hope you understood this. किसी को भी समझ नहीं है तो मुझसे पूछ सकता है what it means. And I'm just giving, and this graph is quite interesting, which is telling us how much, you know, the sort of energy requirements, different operations, and obviously not the operations, obviously the operations themselves, but this is basically, you know, representing the hardware, the corresponding hardware. ठीक है, so for example, और उसके साथ आप देखें कि, एंड दिस इज अगेन, आई होप यू अप्रिशिएट दैट दिस इज नॉट अ लीनियर बार ग्राफ, राइट, दिस इज नॉट लीनियर, सो दिस इज मेनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन दिस थिंग. सो लेट्स से कि द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडर, एंड जस्ट टू कीप द एडर पावर्ड ऑन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑपरेशंस एट द मोमेंट, तो एक एडर को पावर्ड ऑन रखने के लिए 8 बिट एडर वो टिपिकली रिक्वायर 0.03 पिकोजूल्स, व्हेयरएज एक 32 बिट डी रैम को पावर ऑन करने के लिए और उस पर ऑपरेशन करने के लिए दैट वुड रिक्वायर 640 पिकोजूल्स, व्हिच इज लाइक 10,000 टाइम्स ऑलमोस्ट, इट्स मोर देन 10,000 टाइम्स ऑब्वियसली, ऑलमोस्ट 20,000 टाइम्स मोर. ठीक है, and this is obviously the what it represents in size, the complexity. Obviously we're not, when we're talking processors, we're not talking about a single adder or a single multiplier or a single comparator, what have we, but the idea is you should be able to compare ek DRAM read operation jo hai aur ek add operation, and this is basically this not only is just limited to the power requirement, it also is reflective of the latency as well, jo ki yahan pe is graph ke andar wo cheez nahi batayegi. Theek hai, but you have to understand ki jise from this graph that a read operation on a 32 bit DRAM takes about 20,000 times as much energy as an 8 bit add addition. Theek hai,
So these are some interesting things that we have to consider. ठीक है, and why are we talking about these things? Why are these considerations? क्योंकि हम ये already discuss कर चुके हैं पिछले lecture के अंदर कि जब अगर हमने कोई problem solve करनी है architecturally, and architecturally का मतलब ये कि हमारा functional view होगा, तो we should have some semblance of understanding of what is happening under the hood. ठीक है, तो we can't just say कि जी हम ये कर लेंगे, latency बढ़ा देंगे, transistors की तादाद बढ़ा देंगे. You just can't blindly and arbitrarily suggest, give suggestions. And usually and typically जगह हम architectural solutions या की बात करेंगे, and जैसे हमने case studies देखी हैं, ठीक है, तो we saw the idea. हमने तीन papers पढ़े class में किए, Rader वाला paper किया हमने, Rohhammer वाला किया, और हमने जो DRAM रो पे जो रिसोर्स कंटेंशन का इशू था, जिसके अंदर अगर आपको याद हो जो पहली केस स्टडी हमने पहला पेपर पढ़ा था, जिसके अंदर स्टारवेशन हो रही थी एक पास की, तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स ऐसे थे दैट वर एक्चुअली दे हैड ओरिजिन्स इन द हार्डवेयर और लिमिटेशंस ऑफ द हार्डवेयर, लेकिन द सॉल्यूशंस दैट वी परस्यूड वर आर्किटेक्चुरल सॉल्यूशंस. ठीक है, ऑब्वियसली जब एक आर्किटेक्चुरल सॉल्यूशन आप देते हैं तो वो उसके साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड हार्डवेयर आप प्रोड्यूस करेंगे दैट इज गोइंग टू लॉट सॉर्ट ऑफ मैनेज दैट सॉल्यूशन. लेकिन ऑब्वियसली जो कोर प्रॉब्लम है हम उसको, यानी उसका जवाब ये नहीं है कि जी अगर लेट्स से कि उसकी हीट डिसिपेशन ज़्यादा तो मैं कहूँ कि उसका जवाब है कि मैं हीट डिसिपेशन कम कर दूँ मैजिकली, बिकॉज आई डोंट हैव अ मैजिक वैंड दैट एक्चुअली डज इट. एंड एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर दैट दीज यू नो इनोवेशंस एंड हार्डवेयर आर क्वाइट कॉस्टली एंड दे आर नॉट ट्रिवियल. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द राउट टू गो. ठीक है, सो कैरिंग ऑन द डिस्कशन, हाउ आर वी डूइंग फॉर टाइम, लेट मी जस्ट चेक. ठीक है, वी आर डूइंग फाइन. तो हाँ जी, अच्छा, एक चीज अक्सर हमारे स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं जब भी हम बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग परफॉर्मेंस एंड वी आर टॉकिंग वायबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, एनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, स्पेशली अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यू नो गो टू आपका जवाब होता है स्पीड, लेटेंसी. परफॉर्मेंस को आप स्पीड के साथ कोरिलेट करते हैं, लेकिन हम लोग और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, एंड वन फैक्टर इज ऑल्सो कॉस्ट. ठीक है, तो ये हमने देखना है कि कॉस्ट इज ऑल्सो अ ह्यूज फैक्टर, एंड देन वी विल हैव टू सी के हाउ दैट वर्क्स. बट इसको हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, लेकिन वी विल हैव एन, लेट्स से द वे वी विल प्रोसीड इज दैट वी विल हैव एन अप्रिसिएशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ intervention or rather how a certain kind of intervention is going to affect the cost and what the cost trend is going to go be like. theek hai na, to hum ye dekhenge ki hamari price jo hai wo upar ja rahi hai, niche ja rahi hai, aur uske hisab se hum log at least have a discussion, but I will not go into it very deeply because it's a topic in its own right. theek hai, so we will not really discuss it, but let's say ki we have an appreciation of something of cost, and we look at some value elements that are of interest. So I hope ke, do you know what this diagram is? This thing. Kisko pata hai? Ye kya cheez hai? I hope you do. This thing, even though it's written, but I mean, do you know what it is? I'm not just asking you what the label is. Ramesh. Are you familiar with this thing? Have you ever seen this thing before? This kind of diagram? It's a silicon wafer under a microscope. Yes. And every one of these is a chip, right? And I hope that you can appreciate that these chips are our, all of them. And these are all of our, all of them are wasted. So this is all waste. तो ये हमारी obviously how much wastage we get translates into our cost and yield. ठीक है, ये भी एक views है हमारे पास. I hope you can appreciate that all of these black ones are lost to us. We cannot use them. ठीक है, because all of these are chips.
ये थोड़ी एक बात एक इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉस्ट की, या आप याद रखिएगा तो इस पर हम विल जस्ट प्ले अराउंड विद इट अ बिट। और अगर आप अपनी किताब में देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी हैं, पीछे एक्सरसाइज भी हैं। बहरहाल ये आई विल अगेन नॉट डिस्कस वेयर दिस रिलेशनशिप इज कमिंग फ्रॉम, बट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट यू नो यू वुड नो दिस। पर डाई की कॉस्ट और इसकी टेस्टिंग की कॉस्ट, विच इज़ बाय द वे स्टैटिक, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड फाइनल टेस्ट यील्ड, ये फैक्टर्स हैं जिसके बाद आपको ये पता लगता है कि आपको इंटीग्रेटेड सर्किट की कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब दिस इज नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट, बट ऑब्वियसली व्हाट वी फैक्टर इन इज दैट हाउ मेनी, देन यू विल हैव दोस प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, एंड उसकी वायबिलिटी भी डिपेंड करेगी कि हाउ मेनी यूनिट्स यू प्रोजेक्ट टू सेल सेल। ठीक है, दैट्स व्हाई प्रोसेसर्स कैन बिकम और एटलीस्ट द इनिशियल फेज इज वेरी एक्सपेंसिव इफ यू डोंट हैव अ वेरी पॉजिटिव यू नो कंफर्म प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स इन मिलियंस ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हम ये बात कर रहे हैं बाय द वे कॉस्ट ऑफ अ डाई, ये जो टर्म है वो ये टर्म है, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द वेफर, एंड देन हाउ मेनी डाइज आई कैन फिट इन द वेफर एंड द डाई यील्ड। नाउ डाई यील्ड की मेरी मुराद ये है कि लेट्स से कि मेरे पास वेफर उसकी एक्स कॉस्ट है और उसमें मेरे पास 100 जो हैं वो फिट इन हो जाते हैं डाइज दैट आई कैन एक्चुअली टेक आउट, बट द यील्ड इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्ट बाय सो बट नॉट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी लेट्स से सम ऑफ देम विल बी फॉल्टी, तो जो फॉल्टी होंगे वो मुझे माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डाई यील्ड इज एक्चुअली इंडिकेटिव ऑफ यू नो अस फैक्टरिंग इन द रियलिटी दैट मेनी ऑफ दीज चिप्स आर गोइंग टू बी फॉल्टी। ठीक है, तो ऐसा इस किस्म के केस के अंदर हो सकता है कि आपके यू नो ये वाली फॉल्टी हो, ये वाली फॉल्टी हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली रैंडम। There is a lot of work being done to be able to predict and where these faults are coming from, but this is more of a you know work being done in the area of photolithography and so on and so forth. So this is not something that concerns us particularly. So if you see here that this cost of a die is expressed by this expression, and these dies per wafer are expressed by this expression. ठीक है, इसमें you know ये basically this whole expression. ये याद रखिएगा, so this and I'm sure आपने इतनी maths पढ़ी भी है कि अगर आपको पता हो तो आप you know with the right amount of information you can you know you work around these expressions. एक example देखें कि फर्स्ट करने के हमारे पास एक 300 mm का diameter, let's say, so this is the wafer diameter, ठीक है? तो मेरे पास अगर 30 centimeter diameter का एक wafer है और मैं उस पर 1.5 centimeter like on each side, so this is a, when I say 1.5 centimeter, so it's like 1.5 across and 1.5, ठीक है? तो मैं इस तरह की die निकालना चाहता हूँ और मेरे पास एक और है जो कि इसका दिस इज 1/1, ठीक है, तो मेरे पास दो हैं, एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी फ्रॉम ए वेफर दैट इज अ डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप गौर करें कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गेट रिड ऑफ दिस इंक सॉरी सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट the dice per wafer, if the die area is this and the diameter of the wafer is this, I get 270, which is the number of dies per wafer. So for the same size of the wafer, I can get 270 dies compared to 640 dies that I would get if I were producing a chip that was 1 centimeter by 1 centimeter in dimensions.
So the number of chips I'm actually going to get, my dies per wafer is going to be much improved. Okay. But is that the maximum number of dies I get? Okay. But the question is, what is the fraction of good dies on the wafer? जैसे मैंने कहा कि उसमें faulty chips भी बहुत सारी होंगी. Basically, जो die yield की जब हम बात करेंगे, उसके कई फॉर्मूले मौजूद हैं. हम लोग जैसा Bose-Einstein फॉर्मूला जो है उसकी बात करेंगे. सो दिस इज माय Bose-Einstein फॉर्मूला, आई मीन नॉट माय, दिस इज द Bose-Einstein फॉर्मूला. तो यहाँ पे जब हमने डाई यील्ड की बात की थी, हियर दिस थिंग, दिस टर्म, लेट मी जस्ट चेंज माय कलर. सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. सो दिस डाई यील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज, ठीक है, बट वी आर गोइंग टू गो विद दिस एक्सप्रेशन here, the Bose-Einstein expression, and uske hisab se hamare paas jo hai ye ek relationship hai which is telling us the wafer yield, sorry, die yield, which is going to be factor of the wafer yield by the defects per unit area. ठीक है, तो इसमें ये भी, इसमें भी काफी improvements आई हैं. ठीक है, अच्छा, by the way, ये n जो है ना, this n here, this is a constant sort of, insofar we are concerned. तो आपको कोई भी अगर expression आएगी तो आपको n value दी हुई होगी. तो ये basically process complexity factor है, and this is basically this originates from the sort of photolithographic process you are going through. ठीक है, तो ये वहाँ से आ रहा होता है आपका. ठीक है, so this is something we are again not privy to. At this phase, we don't have to be really. So, ये photolithography वाला process क्या इस्तेमाल हो रहा है, उससे n factor आ रहा है, लेकिन इसके अंदर भी changes आ रही हैं. ठीक, जैसे कि nowadays अगर आप देखें processes जिसके अंदर 28 nanometer scale पे processes बन रहे हैं, उसमें n की range जो है वो 7.5 से लेकर 9.5 तक है, और and this is like circa 2020, almost very recent. बिलो 16 नैनोमीटर एंड अप टू 7 नैनोमीटर एक्चुअली हमारे पास एन की रेंज है, इट इज गोइंग ऑल द वे टू यू नो 10 टू 14 एक्चुअली, इट्स गोइंग अप, वैल्यू इज गोइंग अप. एंड टिपिकल डिफेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास पर स्क्वेयर सेंटीमीटर जो हैं वो एक्चुअली रिड्यूस हो रहे हैं. ठीक, so this is interesting. Sorry, बढ़ रहे हैं हमारे, sorry, excuse me, हमारे actually जो defects per unit area है, per unit area. So let me just give you an idea. Let me just put it out there. मेरा ख्याल है कि ये जो है, इसमें हमारे पास we were getting, let's say on average 0.014 defects, ठीक है, per centimeter square for this family, around about this area. This is somewhat of an average. और यहाँ पे जो average है, that was around 30, almost twice that. लेकिन सो फॉर 16 नैनोमीटर स्केल प्रोसेसर्स वी हैव ऑब्जर्व्ड लाइक अ डिफेक्ट स्केल ऑफ 0.03 डिफेक्ट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हिच इज ऑब्वियसली पर यूनिट एरिया हमारे डिफेक्ट ज्यादा है. ठीक, सो वी डोंट रियली, नाउ ऑब्वियसली वी हैव आल्सो हैव टू फैक्टर इन द फैक्ट के our transistor density per unit area is also higher. ठीक है, so naturally that is also a factor. Lekin we, as we've talked about before, because of the you know physics of it and complications of it, there are some, and I'm talking about the manufacturing process. So the smaller the scale of manufacturing is, the higher the probability of having faulty chips would be. ठीक, तो अगर हम इसको consider करें this एक्सप्रेशन, तो अगर मैंने yields, let's say n मेरा 12 है, ठीक है, और मेरी डिफेक्ट डेंसिटी फॉर द होल
वेफर, नॉट जस्ट द वेफर, द होल सिलेंडर ऑफ वेफर. हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि वहाँ पे, और बाय द वे दे कैन बी मेनी रीजंस फॉर दोस. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ दोस डिफेक्ट्स आर इम्प्योरिटीज. तो आपको जो सिलेंडर बनता है ना सिलिकॉन का, बेसिकली क्या होता है कि सिलिकॉन को एक सिलेंडर बनाते हैं, एंड वेरी ब्रीफली, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो द प्रोसेस, बट लेट्स से कि द एंड प्रोडक्ट इज दैट वी गेट ए लार्ज यू नो सिलेंडर जिसके अंदर हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस होता है बना हुआ. और मे बी आई शो यू अ वीडियो और समथिंग वेयर लाइक, इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा एक वीडियो जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि द आइडिया इज कि दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू इंश्योर दैट वी आर एबल टू यूज फोटोलिथोग्राफी टू प्रोड्यूस दोस चिप्स दैट वी वांट टू यूज. ठीक, लेकिन इनवेरिएबली यू गेट सम इम्प्योरिटीज इन दैट सिलिकॉन एंड दोज इम्प्योरिटीज कॉज दोज प्रॉब्लम्स. ठीक है, so we have a fair idea about the you know defect density generally of the whole cylinder. Aur fir usko hum slice karte hain, obviously in that process they are sliced into wafers and those wafers so this is where the 0.047 is going to come in. N jo hai is basically a factor, it's a multivariate factor which depends on obviously the process, how you know that silicon crystal is made plus the photolithographic process. See, so let's make again for all intents and purposes n is a constant for us. So ab ye dekh sakte hain ki agar mera die size bada hai to meri die yield jo hai wo based on this factor of so two factors, n ki value 12 hai aur meri defect density ye hai, so this is an average value. So and it's quite possible that you have a wafer that has zero defects obviously, but it's going to very closely follow that defect density of the whole wafer. So which means that 270 were the total number of, if you remember, if you recall, I'll just go back. 270 were the total number of dyes you can have in the wafer where you know the die size is 2.25 centimeters square, compared to total number of dies you can have in a wafer if the area is 1 centimeter square. Okay, so ye dekhen ke yani ke main 270, so I'm using that same everything, right? So the way I'm forming that crystal cylinder is the same, that technology is the same, so n is consistent. My process, you know, clean room is the same, my photolithographic process is the same, right? And I'm getting a yield of 120. Now 120 ka matlab kya hai, iska matlab ye hai ki jo mera wafer hai jiske upar 270 dies hain ya chips hain, let's say unme 120 aise hain jo ke kaam karte honge. Okay, so 120 is actually a very bad figure, which is like 120 by 2, but like clearly it's worse than 50%, right? It's worse than 50%. So I'm getting a yield lower than 50%. Yani ke 240 pe agar 120 hota to 50% yield thi, which was poor in its own self. Theek hai, lekin agar aap yahan pe dekhenge for that, for all those same specs, right? If I'm, you know, developing a smaller chip, I'm getting 444 functional chips compared to 640 total, which is almost 70%. Because that's an improvement. So if I have like a fixed value of N and fixed, obviously, defect density across the whole cylinder, the smaller the die is, the better my yield would be. So that is, I will get more chips. And by the way, if you visualize it, you can actually feel it out intuitively as well. I mean, that's something that you can understand and appreciate intuitively too, I hope. Theek? Any questions so far? Haan ji. Koi sawal nahi? और हम कॉस्ट की अगर बात कर रहे थे, ठीक है, सो
Yeah, let's say this is pretty recent. This is also true even today, actually. This hasn't changed a lot. So even though ye 2010 kya isme citation hai, lekin this is pretty consistent with what we have today. Okay. So is size ka 300 ya 30 centimeter diameter wafer ka jo cost hai wo 5000 se 6000 hai. और अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हैं कि वो हम फैक्टरिंग करें विच इज गोइंग बैक टू बाय द वे दिस फॉर्मूला राइट वी कैन एंड वी आर लेट्स से फैक्टरिंग इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स ठीक है तो गोइंग बैक जनरली स्पीकिंग एक डाई जो है दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस cost of one die would be around this and this. Now, by the way, this is the manufacturing cost. Okay. But this is not the actual cost of it. Okay. Because we already discussed that when you chip design, so designing of a chip is a very expensive process. Then when you install a fab process in a fab, जिसमें आप उसको डिजाइन करते हैं विद द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर यू नो एनी नंबर ऑफ दोस चिप्स तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर जो आपने सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली दैट गोज टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स टिपिकली ठीक है तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपका खर्चा हो चुका है सो दैट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी स्पेंट ऑन ठीक है तो दैट्स योर नॉन रिकरेंट एक्सपेंस NRE भी कहते हैं तो ये आप ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं उसके बाद आप इस सिचुएशन में पहुंचे हैं जहाँ पे आप $13 यूनिट कॉस्ट पे एक चिप को प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्शन कॉस्ट और $51 राइट तो बेसिकली बट दिस इज टू सेल दीज चिप्स वायबली यू वुड हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ हाउ मेनी चिप्स यू थिंक यू कैन सेल और फिर आप उतनी जो हैं वो मतलब ऑब्वियसली सो आप क्या करेंगे कि आपकी अगर प्रोजेक्शन है कि वी विल सेल अ मिलियन ऑफ दोज Because then you would divide the cost, your non-recurrent expense, across a million projected chips that you are going to sell, hopefully, and add that cost to your unit, less cost, because of the unit price. And this cumulatively would give you the cut off, which is going to be your cost. I mean, if you're the manufacturer, that's what the chip costs you. So. Manufacturing cost plus your non-recurring expense divided across the total production, which is projected to be sold. And anything that you're selling afterwards is obviously if you recover your NRE, basically everything else is now profit. And anything you charge on top of it is profit. But you actually have to reach this figure, which is your projected sales figure. Okay? So this is almost 4 times the cost of that TKD. Good. So I hope this is clear. Any questions so far? Quick question, which means Queenie Sundra, I think. Sundra, you're just over there, Jagran. Sundra, sir. So, pretty straightforward. There's nothing complicated about it. There's no rocket science so far. I feel. Okay. I think this is fine. ठीक ये थोड़ी सी चीज देख लें बाय द वे ये टर्मिनोलॉजीज काफी इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजीज पे मैं इसलिए फोकस करूंगा अगेन मैंने जैसे कहा कि हम टर्मिनोलॉजीज को बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करेंगे और अक्सर लोगों की जो टर्मिनोलॉजी है की अंडरस्टैंडिंग और नोमेनक्लेचर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी पुअर होती है ठीक है So I just want to be sure that we are on the same page when we talk about these things. Okay. So ये देख लीजिए मैं ये दो तीन terminologies हैं these three slides are let's say quite important. So we'll just talk about this dependability issue and then we'll call it a day for today. ठीक है लेकिन इस पर please concentrate करिएगा क्योंकि ये any sort of quantitative comparison
or rather qualitative comparison between architectures is going to depend on these things. Okay, so we need to have an understanding of these terminologies. So एक तो ये चीज देख लें कि ये टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी सर्विस अकम्पलिशमेंट और सर्विस इंटरप्शन की. ठीक है, तो सर्विस अकम्पलिशमेंट का जनरली मतलब ये है कि द सिस्टम इज डूइंग व्हाट इट सपोर्ट्स टू डू एंड इट मे बी डूइंग इट इन्फिनिटली. ठीक है, तो दैट इज योर स्टेट. सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेट ऑफ सर्विस अकम्पलिशमेंट वेयर इट्स ऑपरेटिंग नॉर्मली. एंड स्टेट ऑफ इंटरप्शन मे बी अ स्टेट वेयर इट स्टार्ट्स working abnormally or it stops working at all. So all of those would be classed as an interrupted state. So agar state of accomplishment where everything is working fine isse move karta state of interruption pe, so this transition is known as failure. Aur agar wo state of interruption se wapas move karta state of accomplishment mein which is normal operation, so this transition is going to be your restoration. So this is pretty straightforward, common sense and common knowledge. Again, I just want to put it out there because we'll talk about these terms extensively, or especially aap logon ke FIP, not aap logon ke, lekin aapke seniors ke, jab hum dekhte hain to usme aksar ye kuch terminologies hain jo istemal karte hain log jo ki bade clarity nahi hoti. Theek hai, तो रिलायबिलिटी क्या है? देखें ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल होगा, रिलायबिलिटी. ठीक, ये आपको क्लियर है? देखें जैसे कि ये मेरा स्टेट है अकम्पलिशमेंट. ठीक है, अकम्पलिशमेंट एक नाम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इट्स वर्किंग नॉर्मली, राइट. और मेरी ये स्टेट ऑफ इंटरप्शन है, स्टेट ऑफ इंटरप्शन है, इसका मतलब ये है कि इट्स ईदर नॉट वर्किंग प्रॉपरली और इट्स failing. I'm sorry, it stopped working. Okay? So if I were to look at the timeline, it's quite possible ki ye kuch aisa kaam kare a period of time and then it goes into failure and then maybe it is in that state of failure and that it gets better. And ho sakta hai koi external intervention ho sakta hai, iske andar koi self testing system ho built in, koi self test ho, whatever, koi tolerance wala system ho. And then it will work correctly for some point in time, and then it will go into failure, and then it will be go into restoration, and so on and so forth. So this is your timeline. Agar main reliability ki baat karta hu, if and when I'm talking about reliability, so basically what I'm talking about is the amount of time out of the total time of operation. Yeah, the percentage of time out of the total operational time where it is available or it's in the state of accomplishment. Okay, when it's working reliably. Okay, so reliability is not just an arbitrary term, but mathematically hum dekhenge ki hum reliability ko quantify kar sakte hain ki, aur hamare paas par values hongi jo hum reliability ki baat karenge. So reliability, अगर आप कोई चिप लेंगे फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, सो दैट्स द गारंटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर दैट इट इज गोइंग टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ अकम्पलिशमेंट फॉर दैट परसेंटेज ऑफ टोटल रन टाइम. ठीक है, सो विच मीन्स इफ समबडी इज गिविंग यू दैट रिलायबिलिटी, इफ अ मैन्युफैक्चरर और वेंडर इज गिविंग यू दैट रिलायबिलिटी, दे विल हैव टू हैव टेस्टेड देयर सिस्टम्स एंड दे शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क्स एंड मेजर्स टू बी एबल टू से दैट in a meaningful manner. Or availability jo hai is a bit different. It is a service accomplishment with respect to alteration between two states of accomplishment and an interruption. Theek hai, to cheez ye hogi, main isko thoda sa aapko visually, let me just do it here. I hope ke it's clear. Let me draw it on the whiteboard. Ke let's say ke state of accomplishment hai, and then it fails and it comes back, state of accomplishment, failure, recovery, and it's working, failure, recovery, and let's say we have this thing, right? Let's put in a large failure as well, just for good measures. Theek hai, so I hope you understand what's going on, right? So this is
your normal state, this is your interrupted state, and these transitions are failures and recoveries. ठीक? Now, अगर मैं बात कर रहा हूँ reliability की, ठीक है? तो reliability is a measure which is telling, these are all like probabilistic, by the way. So these are not obviously precise in that sense, ke they're not exact. But the probability ke measures are. वो ये है कि over a run time, ठीक है? इतने percent of the time, जिसमें यानी कि ये सारे के सारे मैं ले लेता हूँ, इतने, so I can take this measure and compare it with the total run time and say कि for this measure of time, this is in the accomplishment state, yeah, this is working normally, and that is going to be my mathematical representation of something being reliable. ठीक है, तो reliability क्या है कि total run time में उसकी failure rate कह सकते हैं कि जी failure rate क्या है and failure time क्या है. ठीक है, तो इसमें एक और चीज भी हम देखेंगे कि failure rate and failure time. ठीक है, तो rate of failure and average time, failure time. ठीक है, तो आप ये देखने के ये relative to the total run time, and that is what reliability is mathematically. Availability, let me just use another thing. What is the other thing? Availability kya hai? It's a service accomplishment with respect to alteration between two states of accomplishment and interruption. Now what this means is, now I'm talking about availability. ठीक है, तो availability is a very close concept to reliability, लेकिन what it means mathematically is कि अगर मैं availability की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये time और ये time, मतलब ये पूरा time, ये जो ये stretch है ना time का, ये मेरे पास एक value है. अच्छा, फिर इस accomplishment से एक failure, एक accomplishment, ये एक और time है मेरे पास. ठीक है, फिर इस accomplishment से इस फेलियर तक मेरे पास तीसरा टाइम है. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई होप इट्स क्लियर. इस अकम्पलिशमेंट से लेके इस फेलियर तक मेरा चौथा टाइम, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो आई हैव दीज सर्विस अकम्पलिशमेंट इंस्टेंसेस, और इनकी जो एवरेज साइज है, सो द एवरेज साइज बिटवीन ए कंटिन्यूअस रन, वन फेलियर एंड रिकवरी, and accomplishment done before the other failure occurs. So I have many instances of those. Aur uski jo average hai wo meri availability hai. So I hope that is clear graphically. We'll have a look at it mathematically as well. Theek hai? And again, why are these important? Because we are going to differentiate between what reliability is and availability is. Theek? Aur hum isko obviously in terms ke upar architectures ko judge karenge. या एटलीस्ट एनालाइज करेंगे. ठीक, तो गोइंग फॉरवर्ड टर्मिनोलॉजीज देख लें. एक है मीन टाइम टू फेलियर, एंड अगेन द नेम इटसेल्फ शुड बी इंडिकेटिव ऑफ व्हाट दिस मीन. मीन टाइम टू फेलियर नाम से आपको पता लगना चाहिए. ठीक है, एंड लेट्स गो बैक टू दिस ग्राफ दैट द फर्स्ट टाइम इट टुक टू फेल, द फर्स्ट टाइम इट टुक टू फेल वॉज दिस. The second time it took to fail was this. Third time it took to fail was this. The fourth was this. Can you see the graph? By the way, nazar aa rahi hai aapko? Main draw kar raha hu. Yes, sir. And what is the mean time? Obviously, you know what mean is. Theek hai? And mean time to repair is what? Ye bata sakte hain mujhe? So repair time, by the way, kya hai? Repair time kya hai? The time between one consecutive instances of failure and recovery. जब वो fail करेगा से लेके जब वो recover करेगा, इसके दरमियान जो time है वो क्या है? Repair time है. तो ये repair time है, ये repair time है, ये repair time है, ये repair time है, ये और ये repair time है.
एंड इनका जो एवरेज है दैट इज योर मीन टाइम टू रिपेयर MTTR एंड the mean time between failures. Now, all of these terminologies are going to be, like I said, quite important because we'll use them quite a bit. Okay, so all of these terminologies are important. So this thing is, so mean time to failure is a measure of reliability. And then mean time between failures is defined as mean time to failure plus mean time to repair. And this is a, ये आप देख लें, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीज ठीक है डिवाइडेड बाय मीन टाइम टू फेलियर इज योर अवेलेबिलिटी मैथमेटिकली. सो आई होप के ए विजुअली भी मैंने आपको बता दिया है, उसकी डेफिनेशन भी बता दिया, आपको समझा भी दिया और मैथमेटिकली भी बता दिया है कि रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी जो है वो दो अलग टर्मिनोलॉजीज हैं. And we should be able to understand them. If anybody has any questions with regards to it, ya kisi ko samajh nahi hai, to mujhe bata de. You can, you know, raise your hand or just speak. Samajh aa rahi hai? Theek. Aur ye ek term hai jo hum bahut zyada istemal karte hain again quantification ke liye, wo hai failure in time, FIT, which is 1 over MTTF. Which is the rate of failures per, okay? And this may be now normalized to billions of hour of operation, obviously, because by the way, normalization to aapko karni padegi. But because we are assuming, what are we assuming? We are assuming that we know the total runtime of something, okay? Nahi, agar ye line dekhen, jo yahan maine batayi hai, to iska matlab ye hai ki agar ye run karega. So this is going to, this white line. इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. This line represents the total runtime of a chip in its lifetime. Yeah, in let's say one stretch of usage. Now this can be a very tricky value to determine and to claim. ठीक है. तो ये भी मैं इसकी टॉप डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि वो है वी गैरेट, ठीक है, बट वी कैन लाइक सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज इट. एंड ऑब्वियसली आइडियली वी आर सेइंग दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्फिनिट रन टाइम वगैरह वगैरह. ठीक है, मेरा ख्याल आज के लिए काफ़ी है. आगे गोइंग फॉरवर्ड वी जस्ट गोना टॉक अबाउट डिपेंडेबिलिटी एंड सम ऑफ दीज मैथमेटिकल थिंग्स एंड देन वी मूव ऑन एंड फिनिश द टॉपिक. ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस from the last class, from any classes that we have had so far, ya aaj ki class mein to koi sawal aap mujhse pooch sakte hain. Agar aapko koi sawal nahi hai to bhi mujhe bata sakte hain, koi sawal nahi hai to kuch samajh aa gaya. Baral aaj ka I think lesson jo tha, kyunki pichle to humne wo mere khayal paper kiye the, to wo thode se mere khayal logon ke liye complicated the ya nahi the mujhe nahi pata, lekin I hope ke what we did today was pretty straightforward, there was nothing really to it in terms of complexity. In any case, agar aapko samajh nahi aaya to you can ask me any questions you want, and once again from any part of the lecture, today's lecture or any lecture we have done so far. Ji Kashif Hira maujood hai. Kashif, koi sawal hai? No sir. Yes sir, idhar hi, koi question nahi hai sir. क्वेश्चन नहीं है, चलें. ये तारिक आ जाएं, बात से बड़ी बात है, तारिक ने हमें ज्वाइन किया, शाहजेब ने भी ज्वाइन किया हुआ, आज क्लास ले रहे हैं ना, हसान ने भी किया हुआ है, गुड. खैरियत है तारिक, आप लोग आ नहीं रहे थे, हसान आप भी नहीं आ रहे थे और शाहजेब भी गायब थे पिछले क्लासों में, अब आएंगे कि नहीं आएंगे? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी सर, वो 7B के साथ रजिस्टर थे सर, तो उनके साथ कर रहे थे सर शुरू से. ठीक ठीक, चलें ठीक है, ठीक है, चलें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं. मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है, अगर कोई सवाल नहीं है ये रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ.